दोस्तों, नया साल आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। हम सब चाहते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए बहुत अच्छा हो और हमारा घर खुशियों से चहकता रहे। आने वाले नए साल के लिए हर कोई किसी न किसी तरह का संकल्प जरूर लेता है, या फिर यूं कहिए कि अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का एक नया मौका मिल जाता है, ताकि वो इस नए साल में कोई भी पुरानी गलती ना दोहरा सके। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किन चीजों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त निद्रा त्यागने के लिए सर्वोत्तम है। इस समय उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस वक्त जागकर अपने इष्ट देव या भगवान की पूजा, ध्यान, अध्ययन और पवित्र कर्म करना बहुत शुभ होता है, एवं इस काल में की गई ईश्वर की पूजा का फल भी शीघ्र प्राप्त होता है। सैर, व्यायाम व योग। यदि आप देर से जागते हैं तो नए साल में अपनी इस बुरी आदत को बदल लीजिए। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर 2 या 3 किलोमीटर घूमने जाएं। आपकी उम्र कुछ भी हो, रोजाना व्यायाम, योग या तेज चहलकदमी के लिए 30 मिनट का समय निकालिए। समय और क्या व्यायाम करना है वो आप अपनी रुचि के अनुसार चुन सकते हैं। पौष्टिक खाना। इस साल संकल्प लें कि जहां तक हो सके घर का बना हुआ ही भोजन खाएं। इससे आपके बीमार होने की आशंका बहुत कम हो जाएगी। वहीं बाहर के खाने पर जो पैसा बचेगा उसे सूखे मेवे और फल खाने में खर्च करें। शाकाहार भोजन स्वास्थ्य वर्धक होता है, अतः शाकाहार भोजन से ही स्वास्थ्य बनाने का प्रयास करें। अन्न की बर्बादी। शास्त्रों में अन्न की बर्बादी या उसकी निंदा करना महापाप माना गया है। ये भी कहा गया है कि अन्न ब्रह्मा, विष्णु और रौद्र रूप है, इसलिए अन्न ही ब्रह्मा है। जो अन्न की बर्बादी या निंदा करता है वो ब्रह्मा की निंदा का भागीदारी होता है। अतः हर प्राणी को अन्न की निंदा करने और उसके दुरुपयोग से बचना चाहिए। पौधे लगाएं। हरियाली सबके मन को भाती है, सकारात्मक ऊर्जा देती है, शुद्ध ऑक्सीजन पर्यावरण को भी शुद्ध और संतुलित रखती है। इतना ही नहीं, वास्तु दोष निवारण, बीमारियों को ठीक करने में एवं उत्तम स्वास्थ्य संरक्षण में वन वनस्पतियों का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इन्हें लगाना हमारे लिए हर हाल में लाभकारी है। इस साल कम से कम 5 पेड़ लगाने का प्रण जरूर लें। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।